वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स क्लास 11th और 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए। और इससे पहले हमने 5 इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट कर लिए हैं 2 वीडियोस में। तो ये आज हमारे इसका तीसरा पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और रहेगा जिसमें हम और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब तक का टोटल ये 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया राइटिंग सेक्शन में। जो इसको डायरेक्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, इससे पहले के सारे टॉपिक्स भी देखे राइटिंग सेक्शन के जो हमने कवर किए हैं और लेसन भी कंप्लीट किए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी में लिख लेना, कंप्लीट कर लें ये पूरा जितना भी आंसर है। क्वेश्चन है कि योर फ्रेंड इज़ वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, कि आपका जो मित्र है वो चिंतित है यानी वरीड है, उसको चिंता है आने वाली परीक्षाओं की, है ना, वो चिंता कर रहा है। तो राइट अ लेटर टू हिम गिविंग मॉरल सपोर्ट फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि आपको पत्र लिखना है उसे। अब उसे मतलब दोस्त कौन है, लड़का या लड़की है, तो इसमें एक जो वर्ड है हिम, हिम से समझ में आ रहा है कि वो लड़का है। तो आपको उसे पत्र लिखना है गिविंग मॉरल सपोर्ट, यानी कि उसको एक सहारा देना, उसको एक संबल देना है कि चिंता मत करना, सब अच्छा होगा, इस तरह से उसको एक मॉरल सपोर्ट देना है। किस लिए? फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ताकि परीक्षा में वो सफल हो सके, है ना। वो चिंता कर रहा है तो उसके चिंता को आपको दूर करना है, उसको एक संबल देना है, उसको एक सहारा देना है। फिर आगे देखें कि क्वेश्चन वैसे 2017 में पूछा गया था। इसका अब आंसर जो है हम पता है कि किस तरह से पूरा इसका फॉर्मेट हम जानते हैं कि क्या लिखा जाता है। तो आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया है, कोई हमारा नाम नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देना है। हमने हर बार की तरह 2 एड्रेस कुछ याद करके रखे हैं जिसमें से हम जरूरत पड़ने पर लिख देते हैं, ताकि हमें एग्जाम में या कहीं भी लिखने के टाइम सोचना ना पड़े कि अब क्या लिखें एड्रेस। तो 32 नेहरू नगर इंदौर MP, ये अपनों ने लिख दिया, है ना। 32 अपना हाउस नंबर है, मकान नंबर है। फिर लाइन छोड़ के हम डेट लिखते हैं आज की। इसके बाद लाइन छोड़ के डियर फ्रेंड जिसको हम लिख रहे हैं वो लिखते हैं। इसके बाद जो अपनों ने इनफॉर्मल लेटर में व्यवस्था की है कि अपनों को कम मेहनत में थोड़ा अच्छा मैटर भी मिल जाए, तैयार रहे, और कुछ ना कुछ कॉमन ही है हर इनफॉर्मल लेटर में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस कॉमन है, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर, कि इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है तुम्हें सूचित करने में कि मैं यहाँ खुश हूँ। एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। तो ये सेंटेंस तो हम किसी भी इनफॉर्मल लेटर में, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, पापा हो, बहन हो, मम्मी हो, जो भी हो रिलेशन में, तो उसको हम लिख सकते हैं कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। फिर अब आगे जो सेंटेंस हैं जो अपनी बॉडी में अपनों ने लिखा है, तो वो क्वेश्चन के उद्देश्य के हिसाब से अपनों को लिखना है। कितना लिखना है, तो जितना एक बॉडी में होना चाहिए पर्याप्त जानकारी वो हम लिखेंगे। आई गॉट यूअर लेटर यस्टरडे एंड यू सीम्ड वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, कि कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला, यस्टरडे यानी कल, कि कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला और तुम मुझे आने वाली परीक्षाओं के लिए चिंतित दिखे, है ना, चिंतित लगे, प्रतीत हुए, सीम्ड यानी प्रतीत होना, लगना, कि तुम चिंतित लगे। उसने पत्र भेजा होगा, हमें कोई सपना तो आया नहीं कि उसको एग्जाम की टेंशन है, तो पत्र से हमें पता चला, ऐसा अपनों ने सेंटेंस में कहा। फिर आगे हम समझा रहे हैं अब उसको कि सो डोंट वरी, तो चिंता मत करो, यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर एंड रेगुलर इन योर स्टडीज, कि तुम्हें सिर्फ सिंसियर, बिल्कुल मतलब कि ईमानदार रहने की ज़रूरत है और नियमित रहने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई में, स्टडीज़ में। यू शुड फोकस ऑन रिवाइजिंग डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कि तुम्हें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए रिवाइज करने में, अब जो भी कठिन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, बिंदु है उनको, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले ही हम जितने कुछ चीज़ें कठिन लगती है तो ही टेंशन होती है, इजी लगेगा तो इतना टेंशन नहीं होता है। तो जो कठिन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको रिवाइज करने पे ध्यान दो, ऐसा हम समझा रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में हम कह रहे हैं कि माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू, कि मेरी जो शुभ कामनाएं हैं, बेस्ट विशेज यानी शुभ कामनाएं, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, यानी हम बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं एक तरह से। और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम देते हैं, तो उसमें हमने लिखा है कि आप प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल, ये सेंटेंस भी हम जानते हैं हर इनफॉर्मल लेटर में सेम है, पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में ये लिखना ही लिखना है कि कृपया आप मेरी शुभकामनाएं सभी को दें। अब हम वो लिखते हैं कि छोटों को प्यार, मैं बड़ों को प्रणाम और मैं यहाँ सब बढ़िया हूँ, तो इतना सब नहीं लिखना है,
शॉर्ट एंड स्वीट, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, ये अपना सभी इनफॉर्मल लेटर में फिट बैठेगा। फिर लास्ट में मार्जिन की तरफ एक लाइन छोड़ के यूअर्स अफेक्शनेटली हम लिखते हैं तुम्हारा स्नेह ही, नाम कुछ है नहीं तो हमने कुछ भी लिख दिया रोहित शर्मा। फिर एक लाइन छोड़ के दोस्त का जो जिसको हमने लिखा है सामने वाले का नाम और पता हम लिखते हैं, तो उस तरह से अपनों ने लिख दिया राहुल वर्मा, दोस्त का नाम लिख दिया कुछ भी, लड़का होना चाहिए दोस्त, क्वेश्चन में था लिखा हुआ कि राइट अ लेटर टू हिम, उसको लिखना है। और उसके बाद उसका कोई भी एड्रेस जो कि हमने दूसरा याद कर रखा है 20 MG रोड भोपाल MP, तो ये अपना आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अच्छे से सब सब समझ में आ रहा होगा, कहीं कुछ भी डाउट लगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा देख जाए और प्ले करके देख लें। अब अगला इनफॉर्मल लेटर 7th क्वेश्चन है ये अनौपचारिक पत्र का। तो क्या लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब इसमें भी अपनों को किसे लिखना है, दोस्त को लिखना है, ये स्पष्ट है, लेटर लिखना है मोहन गुप्ता, दोस्त का नाम दे दिया यहाँ पे मोहन गुप्ता। डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच यूअर टीम वॉन, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है एक हाल ही में हुए बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच का जिसमें आपकी टीम जीत गई है ना। रिसेंट मतलब हाल ही में जो हुआ है, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक क्रिकेट मैच जिसमें आपकी टीम जीती है। तो देखो टीम जीती है तो ये आप खुशी खुशी में पत्र लिख रहे हैं, है ना, हारने की कहानी नहीं बताना है, जीतने की बात बतानी है, और आपने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया ये भी बताना है। ऐसा नहीं कि हम तो 0 पे आउट हो गए, दोस्तों ने जिता दिया, ऐसा नहीं, अपनों को अपना भी बताना है। तो आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि यू आर केशव राणा अ रेसिडेंट ऑफ 34 वल्लभ नगर सीहोर। यू आर वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे अपनी जानकारी दी है क्वेश्चन में, कुछ अपना उसका क्वेश्चन के बारे में नहीं कहा, अपनी जानकारी है कि हमारा नाम है केशव राणा, रेसिडेंट मतलब हमारा निवास स्थान कि हम कहाँ रहते हैं। तो क्वेश्चन में जानकारी दी है कि आपका ये पता है 34 वल्लभ नगर सीहोर। वैसे ये क्वेश्चन 2009 की सप्ली में 11 और 2015 की मेन एग्जाम में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्योंकि अपना एड्रेस दिया है तो हम जानते हैं सबसे पहले आंसर की शुरुआत हमें अपने एड्रेस से करनी होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में से देख के हमने अपना एड्रेस लिख दिया। इसके बाद लाइन छोड़ के डेट आएगी आज की, फिर एक लाइन छोड़ के डियर फ्रेंड, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड आएगा। फिर बॉडी का जो पार्ट है ये भी हम जानते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कॉमन है, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर, बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझ ही चुके हैं। बस जो लिख रहे हैं अपने को कम से कम लिखने में कोई गलती नहीं करना है कॉपी में, है ना, क्योंकि ये जो वीडियो है आप 10 बार तो देखेंगे ही नहीं हर बार याद करने के या पढ़ने के टाइम पे। तो अब आगे देखें इस बॉडी के हिस्से को जो अपनों ने कहानी बताई अपने क्रिकेट मैच की। तो हम पहले तो बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस लेटर में कि आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अ रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच आवर टीम वॉन, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मतलब वर्णन करना चाहता हूँ कि हाल ही में हुए क्रिकेट मैच में जिसमें हमारी टीम जीती है, इस बारे में हम वर्णन करना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं। तो अब हम बताते हैं कि कहानी तो देखो क्रिकेट मैच की कैसे भी आपको बताना है, आपको जीतना है, इसमें आप थोड़ा जो जरूरी चेंज है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं करेंगे तो भी सही है वो तो। अवर टीम वॉन द टॉस एंड टीम स्कोर्ड 180 रन्स विद द हेल्प ऑफ माई 70 रन्स इन 20 ओवर्स। हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है कि हमारी जो टीम है टॉस जीती और हमने 180 रन बनाए मेरे 70 रनों की मदद से 20 ओवर में। तो ये अपनों ने बताया कि हम टॉस जीते और 180 रन बनाए, मतलब पहले बैटिंग ही की है, 70 रन मैंने बनाए मेरी 70 रनों की मदद से हम 180 रन तक पहुँचे 20 ओवरों में, 20-20 मैच था। देन वी स्टार्टेड फील्ड, फिर हमने क्षेत्र रक्षण करना शुरू किया, फील्ड करना शुरू की। एंड आई टुक 2 विकेट्स इन अ ओवर, और मैंने 2 विकेट भी लिए एक ही ओवर में। हमें हीरो हैं अपने इस क्रिकेट मैच के, हमें तो इसलिए तो बता रहे हैं, है ना, हमने कुछ नहीं किया और जीत गए तो ये कहानी तो हम लेटर में लिखते ही नहीं है। फिर आगे द अपोजिट टीम ऑल आउट इन 18th ओवर, और जो विपक्षी टीम थी वो 18वें ओवर में ऑल आउट हो गई एंड एबल टू स्कोर ओनली 176 रन्स, लेकिन वो फिर भी 176 रन 176 रन बना पाई। सो वी हैड वॉन द मैच ओनली बाय 4 रन्स, एक्साइटिंग था तो रोमांचक तो बनाना ही था, तो हम सिर्फ मैच जो है 4 रनों से ही जीते।
यानी कि अच्छा मैच था, अगर वो ऑल आउट नहीं होती तो शायद बना भी देती। तो लास्ट में हमें लिख देना है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल, कृपया मेरी शुभकामनाएं सभी को दें, यूअर्स अफेक्शनेटली, के बाद नाम अपना लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लिख देंगे हम, केशव राणा। और किसको लिखना है तो दोस्त का नाम भी क्वेश्चन में दिया है, इस बात पे ध्यान दें, तो मोहन गुप्ता है, लेकिन एड्रेस नहीं दिया है मोहन गुप्ता का दोस्त का, इसलिए हमने अपनी मर्जी से लिख दिया है, दोनों में से जो याद है उसमें से जो एक लिखना है वो लिख दिया है। और आज का ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा अपने सिलेबस का इनफॉर्मल लेटरों में, कि यू आर शिवा नेगी रिसाइडिंग एट H20 शास्त्री नगर जबलपुर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है यू आर से, यानी कि आपको आपकी जानकारी दी गई है, शिवा नेगी आपका नाम है और आप कहाँ रहते हैं, H20 ये आपका हाउस नंबर है ना, हाउस नंबर 20, ऐसा बिल्कुल जैसा बोर्ड एग्जाम में आया था वैसा ही आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोई एक वर्ड का भी चेंज नहीं किया गया, कि शास्त्री नगर जबलपुर में आप यहाँ रहते हैं। अब क्वेश्चन देखे क्या है, कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको लेटर लिखना है ये तो स्पष्ट है, लेकिन किसको लिखना है, फ्रेंड को लिखना है ये भी पता चल गया, किस लिए लिखना है आगे पढ़ें, कि इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपको इन्वाइट करना है, आमंत्रित करना है उसे, उसे मतलब लड़का है वो है ना, इसमें भी आप ध्यान दें, इनवाइटिंग हिम, किसी का नाम नहीं है पर संकेत दे दिया है कि वो लड़का है, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कि वो आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड करे, उसमें शामिल हो, ऐसा हम उसको आमंत्रित करना चाह रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में 2009 में 11 की सप्ली में और 16 की सप्ली में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर, कि सबसे पहले अपना एड्रेस क्वेश्चन में दिया था तो हमने वही लिख दिया, इसके बाद आज की डेट आ गई है, इसके बाद फिर डियर फ्रेंड, फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पे बॉडी का पार्ट पूरा फर्स्ट सेंटेंस कॉमन होगा, हम जानते हैं कि इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी लाइन है, इसमें कोई अपनों को चेंज करना नहीं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी ऑन 21 सेप्टेम्बर 2020, कि मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में, जो कि कब है, हमने आज से आगे की तारीख लिखना है इसमें 10-12-15 दिन बाद की, कि 21 सितंबर 2020 को, ये जो तारीख है हम दिन के हिसाब से जिस दिन लिख रहे हैं उसके बाद की तारीख लिखना है, ये तो कॉमन सेंस है कि बर्थडे पार्टी होने वाली है तो ही हम पत्र लिख रहे हैं है ना, पीछे की डेट तो लिखना नहीं है और उसी दिन की भी नहीं लिखना है, हाथों हाथ पत्र थोड़ी नहीं जाएगा, कोई व्हाट्सअप थोड़ी नहीं है क्या। फिर आगे देखें कि आई हैव इन्वाइटेड ऑल अवर फ्रेंड्स टू एन्जॉय माई बर्थडे पार्टी, कि मैंने अपने सभी दोस्तों को बनाया है अपनी बर्थडे पार्टी को एन्जॉय करने के लिए, मतलब तुम्हारे और मेरे होने से क्या होगा, अपने सभी दोस्त हैं। आई होप यू विल कम हियर एंड नॉट डिसअपॉइंट मी, कि मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे और मुझे निराश नहीं करोगे, डिसअपॉइंट करना मतलब निराश करना है ना, मुझे दुखी नहीं करोगे, मतलब मैं चाह रहा हूँ तुम आओ, बिल्कुल दिल से चाह रहा हूँ, ताकि सभी दोस्त आएँ और इन्जॉय करें। तो इस तरह से अपनों ने ये बर्थडे पार्टी का आमंत्रण दिया। लास्ट में प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, ये तो फिक्स है, और योर्स अफेक्शनेटली, अपनों को अपना नाम दिया है क्वेश्चन में तो शिवा नेगी वो लिख देंगे एक लाइन छोड़ के, दोस्त हमारा लड़का ही है तो हमने लड़के का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो रोहित शर्मा लिख दिया, और कोई एड्रेस तो दिया नहीं है दोस्त का तो हमने लिख दिया 32 नेहरू नगर इंदौर MP। तो इस तरह से अपने इनफॉर्मल लेटरों का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, एक और जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें अपने सारे इनफॉर्मल लेटर्स कवर हो जाएंगे है ना, इससे पहले यानी कि अब तक कितने टोटल 8 हो गए इनफॉर्मल लेटर्स, तो देख लें काफ़ी कुछ इनमें कॉमन भी है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके उद्देश्य के हिसाब से लेटर की बॉडी में थोड़ा चेंज होगा ही सही, और जहाँ ज़रूरी डेट और नाम या एड्रेस की ज़रूरी चेंजेस है क्वेश्चन के हिसाब से और दिन के हिसाब से तो वो हम करते रहें, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, थैंक यू।